नमस्कार बच्चों, मुझे विश्वास है कि आप इन वीडियोस को देख कर के लाभान्वित हो रहे होंगे। यूपी बोर्ड के सिलेबस के हिसाब से कक्षा 10 की विज्ञान के पहले पाठ रासायनिक अभिक्रियाओं का तीसरा भाग आज मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूँ। इसमें आप कुछ मुख्य प्रश्नों के बारे में आप समझेंगे, क्योंकि रासायनिक अभिक्रिया के पहले पाठ का ये आज आखिरी भाग है और इस आखिरी भाग में मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों से अवगत कराना चाहता हूँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो के द्वारा। पहला क्वेश्चन है कि श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं। ये कभी कभी प्रश्न इम्तिहानों में आता रहता है, खास तौर से जो लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं उनमें ये पूछ लिया जाता है कि श्वसन की जो क्रिया है उसको ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं। तो आप इसको इस तरह से समझें बेटा कि श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया इसलिए कहते हैं क्योंकि इस प्रक्रिया में हम अपनी श्वसन के लिए जो ऑक्सीजन लेते हैं वह ऑक्सीजन भोजन के जो भोजन हम करते हैं उस भोजन के पाचन से जो ग्लूकोज हमको प्राप्त होता है उस ग्लूकोज के साथ ही ऑक्सीजन संयुक्त होकर के ऊर्जा उत्पन्न करती है। और ये जो ऊर्जा उत्पन्न होती है यह ऊर्जा एटीपी में संचित हो जाती है। एटीपी यानी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट कभी कभी बहुविकल्पीय प्रश्नों में और अति लघु उत्तरीय प्रश्नों में एडीपी की ये फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती हैं, इसलिए मैं आपको यहाँ ये भी बताना चाहता हूँ। एटीपी मींस एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट और एक एडीपी होता है एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। तो बच्चों एक बार मैं पुनः आपको समझाऊं कि श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया इसलिए कहते हैं क्योंकि इस प्रक्रिया में श्वसित की गई ऑक्सीजन भोजन के पाचन से प्राप्त ग्लूकोज के साथ संयुक्त होकर के ऊर्जा उत्पन्न करती है और यह ऊर्जा एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट अर्थात एटीपी में संचित हो जाती है। इसी प्रकार का एक और क्वेश्चन है बच्चों, अक्सर आप लोगों से कोई पूछ भी सकता है इसको, केवल इसलिए नहीं कि ये बोर्ड की परीक्षाओं में पूछे जाते हैं प्रश्न, जनरल नॉलेज के लिए भी हमको ये पता होना चाहिए कि सफेदी करने पर दीवारों में चमक उत्पन्न हो जाती है, ऐसा क्यों होता है। बच्चों जो बुझा हुआ चूना होता है जिसे हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं, जिसका जो रासायनिक सूत्र है CaOH का होल ट्वाइस, इसको दीवारों पर हम सफेदी करने के रूप में प्रयोग करते हैं। ये जो बुझा चूना है जिसे हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं ये वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड के साथ धीमी दर से अभिक्रिया करता है और धीमी दर से अभिक्रिया करके 2 दिनों में या तो फिर 3 दिनों में कैल्शियम कार्बोनेट की एक पतली परत बना देता है। ये कैल्शियम कार्बोनेट की जो पतली परत दीवारों पर बन जाती है बच्चों, इसी से दीवारों में चमक उत्पन्न होती है। तो बच्चों आपकी समझ में आ गया होगा कि ये कितने मतलब की चीज़ है। हम सभी के घर में सफ़ेदी करवाई जाती है और हम केवल इतना ही जानते हैं कि बस सफ़ेदी इसलिए की जाती है कि दीवारों पर चमक आ जाती है, लेकिन हमको ये पता होना चाहिए कि ये सफ़ेदी में जो हम इस्तेमाल करते हैं, जिस सफ़ेद से पदार्थ को इस्तेमाल करते हैं जिसे हम सफ़ेदी कहते हैं, ये दरअसल है क्या, ये बुझा चूना है जिसे हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं, इसका जो रासायनिक सूत्र CaOH का होल ट्वाइस, इसको जब दीवारों पर सफ़ेदी के रूप में हम इस्तेमाल करते हैं तो ये वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड के साथ
धीमी दर से अभिक्रिया करता है और 2 या 3 दिनों में कैल्शियम कार्बोनेट की एक पतली परत दीवार के ऊपर बना देता है। ये जो पतली परत है, जिसे जो कैल्शियम कार्बोनेट की पतली परत है, इसी के कारण दीवारों में चमक उत्पन्न होती है। तो मैं समझता हूँ बच्चों, ये बात भली भांति आपकी समझ में आ गई होगी, लेकिन आवश्यक ये है कि जो मैं आपको बता रहा हूँ, इन प्रश्नों को आप विधिवत रूप से अपनी फेयर कॉपी में इनको उतारें, इनको ठीक प्रकार से पढ़ें, क्योंकि जब आप बार बार इसको पढ़ेंगे तभी आपको ये याद रह पाएंगे। अन्यथा की स्थिति में तो 1-2 दिन बाद आपके दिमाग से ये चीज़ निकल जाएगी कि सर ने बताया था, पता नहीं सफ़ेदी जो हम करते हैं उसे क्या बोलते हैं, आपको ये भी याद नहीं रहेगा। ये छोटे प्रश्न भी इन्हीं में से बन जाते हैं। कभी कभी आपसे कोई एक क्वेश्चन कोई कर सकता है कि जो सफ़ेदी है उसको क्या, इसका रासायनिक नाम क्या है, तो आपको बताना पड़ेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या भुजा चूना जिसे हम कहते हैं। सूत्र भी आपको पता होना चाहिए, CaOH का होल ट्वाइस। तो जब तक आप इसको लिखेंगे नहीं तब तक ये आपको ठीक प्रकार से याद नहीं होगा। और याद करने का सबसे बढ़िया तरीका ये है कि आप उसको बार बार कॉपी पर लिखें और पढ़ते रहें। अगला क्वेश्चन हम लेकर चलते हैं बच्चों, शरीर में भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है। मन में ये प्रश्न उठता है हमारे कि जो भोजन हम करते हैं वह किस प्रकार की अभिक्रिया है। जो भोजन हम करते हैं उसका पाचन हमारे शरीर में होता है, तो ये पाचन संबंधी जो अभिक्रिया है वो किस प्रकार की क्रिया है। बच्चों, जो भोजन हम करते हैं उसका जो पाचन एक वियोजन अभिक्रिया है। कैसी अभिक्रिया है? वियोजन अभिक्रिया। भोजन के रूप में हम चावल का इस्तेमाल करते हैं, गेहूं का इस्तेमाल करते हैं, आलू का इस्तेमाल करते हैं, शकरकंद का इस्तेमाल करते हैं और इस प्रकार की बहुत सारी चीज़ों का सेवन करते हैं हम भोजन के रूप में। बच्चों, ये जो भोजन के रूप में जितने भी पदार्थों को हम ग्रहण करते हैं उसमें से हमें स्टार्च प्राप्त होता है, तो जो स्टार्च है वो शर्करा में बदल जाता है और प्रोटीन एमिनो अम्लों में बदल जाती है, या हम यूँ कह सकते हैं कि प्रोटीन का एमिनो अम्लों में वियोजन हो जाता है। तो बच्चों, जो पाचन की अभिक्रिया है वो एक वियोजन अभिक्रिया है और इसमें स्टार्च का शर्करा में और प्रोटीन का एमिनो अम्ल में वियोजन होता है। तो आप इसको भली भांति 2-3 बार पढ़ करके ढंग से आप याद कर लेंगे और नोट्स भी तैयार कर लेंगे। अब हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। जैसा कि बच्चों आपको पता है कि हमारी बोर्ड की परीक्षा में लघु उत्तरीय प्रश्न भी आते हैं, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न भी आते हैं, अति लघु उत्तरीय प्रश्न भी आते हैं और बहुविकल्पीय प्रश्न भी आते हैं। तो जो टॉपिक हम समझ रहे हैं इन्हीं में से कुछ प्रश्न लघु उत्तरीय बन जाते हैं, कुछ दीर्घ उत्तरीय, कुछ बहुविकल्पीय, किसी भी तरह के प्रश्न बन सकते हैं। तो हमको हर चीज़ को ध्यान से समझना है। अगला क्वेश्चन मैं लेता हूं कि यदि आयरन और कॉपर सल्फेट विलयन के मध्य रासायनिक अभिक्रिया कराई जाए तो उसकी समीकरण क्या होगी। तो बच्चों, आयरन इसका सिंबल होता है Fe, कॉपर सल्फेट इसका सिंबल CuSO4, तो रासायनिक सूत्र है कॉपर सल्फेट का CuSO4, तो Fe प्लस CuSO4, आगे हम तीर का निशान लगाएंगे तो इससे बनेगा FeSO4 प्लस Cu। Cu आप जानते ही हैं कॉपर होता है। तो बच्चों, आप इस अभिक्रिया को भली भांति याद कर लेंगे। ये छोटी छोटी अभिक्रियाएं हैं लेकिन बहुत ही आवश्यक हैं, ये इम्तहान में आती रहती हैं। इसी प्रकार का एक और छोटा क्वेश्चन है, क्या होता है जब हम कैल्शियम ऑक्साइड में जल मिलाते हैं, यानी कैल्शियम ऑक्साइड में जल मिलाने पर क्या होता है। बच्चों, इस अभिक्रिया में
ऊष्मा की अत्यधिक मात्रा के साथ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। जब हम कैल्शियम ऑक्साइड में जल मिलाते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है और ऊष्मा अत्यधिक मात्रा में रिलीज होता है। लेकिन इतना लिखने से काम नहीं चलेगा, हमको अभिक्रिया को भी लिखना होगा। तो इसकी जो रासायनिक अभिक्रिया है मैंने नोट्स में दी हुई है, उसमें से आप उतार लेंगे। CaO+H2O इससे बनता है CaOH2+ऊष्मा। CaOH2 यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसी तरह का एक और क्वेश्चन बच्चों, श्वसन की रासायनिक समीकरण लिखिए। श्वसन की रासायनिक समीकरण लिखिए। बच्चों जो हम भोजन करते हैं उससे हमको ग्लूकोज प्राप्त होता है और श्वसन क्रिया में हम ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं। ये ग्लूकोज और ऑक्सीजन आपस में संयोग करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं और जल बनाते हैं, साथ में ऊर्जा, बहुत सारी ऊर्जा भी हमको प्राप्त होती है। इसको अभी हमें रासायनिक अभिक्रिया के रूप में लिखना होगा C6H12O6+6O2। आगे तीर का निशान लगाएंगे, 6CO2+6H2O+ऊर्जा। इसी तरह का एक और प्रश्न है कि मार्वल का रासायनिक सूत्र क्या होता है। बच्चों बड़ा छोटा प्रश्न है, बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुविकल्पीय प्रश्नों में भी आता है, लघुत्तरीय प्रश्नों में भी आता है और दैनिक उपयोग में आने वाली वस्तु है। ये हम सभी के घरों में इस्तेमाल होता है मार्वल का फर्श के रूप में, लेकिन हमको ये नहीं पता होता कि हम इसको कहते क्या हैं। मार्वल यानी कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। मार्वल का जो रासायनिक सूत्र क्या है, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। इसको बच्चों भलीभांति याद कर लेना। इसी तरह से पहले जो टॉपिक मैं आपको बता चुका हूँ उसमें एक जगह द्रव्यमान संरक्षण का नियम एक क्वेश्चन के अंदर आया था, तो मेरे दिमाग में आया कि इस प्रश्न को भी मैं आपको लिखवाऊँ, क्योंकि इम्तिहान में ये पूछ लिया जाता है कि द्रव्यमान संरक्षण के नियम से आप क्या समझते हैं। द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या कहता है ये समझ लीजिए बच्चों। जब भी कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है तो आप देखते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया में बाईं ओर अभिकारक होते हैं और दाईं ओर उत्पाद होते हैं। तो जब हम बाईं ओर जो हमारे अभिकारक हैं उनका जो कुल द्रव्यमान है और जो दाईं ओर के जो उत्पाद हैं उनका जो कुल द्रव्यमान है वो आपस में बराबर होता है। वो आपस में कैसा होता है, बराबर होता है। तो हम इस नियम को इस तरीके से लिख सकते हैं कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना तो निर्माण होता है और ना ही विनाश। अर्थात किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के उत्पाद तत्वों का कुल द्रव्यमान अभिकारक तत्वों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। यही है बच्चों द्रव्यमान संरक्षण का नियम। इसे आप याद कर लेना। ये प्रश्न ऐसा है, आप रसायन विज्ञान पढ़ रहे हैं, यहाँ भी है, भौतिक विज्ञान पढ़ेंगे तो आपको वहाँ भी मिलेगा। इसी तरह का एक और क्वेश्चन हम ले रहे हैं बच्चों, वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है। वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों करते हैं। बच्चों मैग्नीशियम वायु में उपस्थित ऑक्सीजन से संयोग करती है जिसके कारण मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाता है। तो मैग्नीशियम रिबन से इस मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत को हटाने के लिए और अन्य अशुद्धियां जैसे कि धूल के कण हैं, नमी है, इन सभी को हटाने के लिए
शुद्ध मैग्नीशियम प्राप्त करने के लिए इसे वायु में जलाने से पहले साफ कर लेना अति आवश्यक होता है। तो आप समझ गए होंगे कि मैग्नीशियम रिबन को हम क्यों जलाने से पहले साफ करते हैं, क्योंकि मैग्नीशियम वायु में उपस्थित ऑक्सीजन से संयोग करके मैग्नीशियम ऑक्साइड की एक परत बना लेता है। तो इस मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत को हटाने के लिए और धूल के कणों को हटाने के लिए, नमी आदि को हटाने के लिए, क्योंकि हमको शुद्ध मैग्नीशियम प्राप्त करना है, तो इसको जलाने से पहले साफ कर लेना आवश्यक होता है। तो बच्चों, इस तरीके से आपने कुछ छोटे छोटे प्रश्नों को आज समझा। इन सभी प्रश्नों को आप भलीभांति याद कर लेंगे। बच्चों, मैं प्रयास करूंगा कि रासायनिक अभिक्रिया वाला जो पहला जो हमारा ये चैप्टर है, इसके समस्त टॉपिकों को मैं एक पीडीएफ फाइल के रूप में आपके सामने प्रस्तुत करूं। मैं कोशिश करता हूं और मैं आपको इसकी एक पीडीएफ फाइल बना करके दे दूंगा। ये जो पहला पार्ट है आज समाप्त होता है। इसके अलावा और भी बहुत सारे छोटे छोटे प्रश्न इसके हो सकते हैं, तो आपको जो भी पाठ्य पुस्तकें घर पर आपके अवेलेबल हों, आप उनमें से अन्य प्रश्नों को भी आप समझ सकते हैं, फेयर कॉपी में उनको लिख सकते हैं, उनको याद करें। कम से कम मैंने जितना आपको बताया है इसको आप अवश्य कॉपी में नोट करें और याद करें। तो ये आपका पहला चैप्टर समाप्त हो गया। इसकी पीडीएफ फाइल मैं जल्दी ही आपके लिए तैयार कर दूंगा। इस तरह से एक चैप्टर आज आपका ये कंप्लीट होता है। कल से हम अगला पार्ट विज्ञान का पढ़ेंगे। तो बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि बोर्ड की परीक्षा में हर चैप्टर में से प्रश्न पत्र के अंदर एक नंबर, दो नंबर या तीन नंबर, जिस तरह के चैप्टर होते हैं, जिस तरह के टॉपिक होते हैं, प्रश्न पूछे जाते हैं। इसलिए हर चैप्टर को तैयार करना आवश्यक होता है। इसलिए मैं आशा करता हूं कि आप इन सभी प्रश्नों को भलीभांति कॉपी में नोट करेंगे और याद करेंगे। इसी के साथ मैं आज का ये लेसन समाप्त करता हूं बच्चों, और आशा करता हूं कि आप इस मन लगा करके घर पर पढ़ते रहेंगे और सरकार के द्वारा बनाए गए नियमों का पालन करते रहेंगे। आप घर से बाहर बिल्कुल नहीं निकलेंगे। आपको अपने स्वास्थ्य की विशेष देखभाल करनी है। आपको अपने भाई बहन, माता पिता, दादा दादी या परिवार के जितने भी लोग हैं, उनका भी आपको ख्याल रखना है। और ख़ास तौर से घर के जो बुज़ुर्ग हैं, जो दादा दादी हैं या अधिक उम्र के जो भी लोग हैं परिवार में, उन सभी का आपको विशेष ख्याल रखना है। इसी के साथ बच्चों, आज की मैं अपनी बात यहीं समाप्त करता हूँ। नमस्कार।